नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉल फॉरवर्डिंग कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल में अपने फ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का और अदर पर्सन का कॉल अपने फ़ोन पर सुनना चाहते हो ना, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका फ़ोन लेना है जिसका आपको कॉल सुननी है अपने फ़ोन पर। तो सबसे पहले उसका फ़ोन लेने के बाद आपको क्या करना है, उसका डायल पैड ओपन कर लेना है। डायल पैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कोड बताता हूँ, वो कोड आपको डाल देना है उसके फ़ोन में। तो आपको करना है **21*, फिर अपना नंबर डाल देना है जिस पर आपको कॉल सुननी है। चलिए हम अपना नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना नंबर डाल दिया। लास्ट में आपको हैश दबा देना है। हैश दबाने के बाद आपको कॉल कर लेनी है जिस सिम कार्ड पर आप उसकी कॉल सुनने चाहते हो। तो हम यहाँ पे सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सक्सेसफुली। तो आपको ये हो गया, आपके कॉल फॉरवर्डिंग ऐसे लग जाएगी। तो दोस्तों इसे बंद करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से जाना है डायल पैड में। डायल पैड में आने के बाद **21# आपको क्या करना है, उसके बाद कॉल पे एक बार क्लिक करना है और उस सेलेक्ट अपना सिम कार्ड वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉल कर देनी है। कॉल करने के बाद थोड़ी देर के बाद एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, कॉल फॉरवर्डिंग एरेज सक्सेसफुली। तो यहाँ से अपनी कॉल फॉरवर्डिंग हट जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।